शिवपुरी से एक हाथी का ट्रक में धक्का लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में कुछ ट्रक गीली मिट्टी में फंसे हुए हैं, कुछ लोग धक्का देकर ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक हाथी भी ट्रकों को धक्का देकर गीली मिट्टी में फंसे ट्रकों को निकालने के लिए सहयोग कर रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक सिख समुदाय के 300 लोगों का एक जत्था ट्रक में सवार होकर अमृतसर से महाराष्ट्र के नांदेड़ के लिए जा रहा था। इस जत्थे में कई घोड़े और एक हाथी भी शामिल है। ये जत्था कोलारस के भटौवा गांव में सिख समाज के सेवादार के यहां रुका हुआ था। जत्थे में शामिल गुरुदेव सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण उनके जत्थे में शामिल ट्रकों को कच्चे रास्ते पर खड़ा करना पड़ता था। एकाएक हुई तेज बारिश के चलते मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई, जिससे कई ट्रक मिट्टी में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए जत्थे में शामिल सिख समाज के लोग प्रयास कर रहे थे। इसमें जत्थों में शामिल हाथी ने भी सहयोग किया और मिट्टी में फंसे लगभग 3 ट्रकों को उसने अपनी बलशाली सूंड से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जी, क्या नाम है आपका? गुरदेव सिंह। कहाँ से आए? हम सारा जथे समेत बाबा बिरी चंद जी का दल है, अमृतसर से आए डगर सुर सिंह से, और सचखंड श्री हजूर साहब महाराष्ट्र नांदेड़ में दशहरे का जोड़ मेला मनाने के लिए जा रहे हैं। कितने लोग हैं, कितने संगति आपके साथ? साढ़े नाल 300 संगत है जी। आप कल एक आपका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप एक आपकी कई आप रुके थे फार्म पे, यहाँ आपका ट्रक फंस गए थे वाहन, तो उसको एक हाथी की मदद से निकाला जा रहा है, तो थोड़ा मामला बता सकते हैं क्या रहा है? हाँ, हमारे पास 60 घोड़े है और एक हाथी है। जब ये गड्डी फंस जाती है, जो हाथी है वो बहुत सियाना है, ते नाल सिंह भी जोर लगाते हैं, नाल हाथी भी उससे लगाता है, ये आदमी से भी सियाना है, वो जोर लगा के वो भी गड्डी को आगे तोड़ दिया, उसे निकाल दिया। अच्छा, ये कहाँ पर कल जो ट्रक फंसा था, किस जगह फंसा था? बटुआ फार्म था वो, हमारे पहले से ही, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं उनका पिंड नजदीक ही है, उनके वड्डे वडेरे भी बाबा जी के सेवक है, पहले से वो सेवा करते हमारी जी। अच्छा, ये आप नादिर ले जा रहे हैं हाथी घोड़ों को, वो क्या कोई खेल बेल दिखाते हैं क्या वहाँ पे? हाँ, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने फौज साजी थी ना जुलम का नाश करने के लिए, ये गुरु गोविंद सिंह जी की फौज उसी ही फौज है, वहाँ जाएंगे घोड़िया पर सवार हो के महला कटेंगे, फिर घोड़िया पे खेलें करेंगे, और वहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी की हाजिरी भरेंगे हम दशहरे के जोर मेले। इनको आपके द्वारा पहले से ट्रेनिंग दी जाती होगी हाथी घोड़ों को? हाँ, साढ़े सारे जो घोड़े है हाथी है सीखे हुए, जब घोड़ा दलाइए तभी दौड़ता है, हाथी को जैसे जैसे कहिए वो वैसे ही करता है, सब पूरा सीखा हुआ हाथी है। अच्छा, कितने वाहनों को हाथी ने अपना सारा दिया निकालने मदद की? हाँ, दो जो है, दो टक्का को सहारा दिया और नाल संगत भी थी जी। हाँ जी, ठीक है।